आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति अकोला द्वारा 18 और 19 फरवरी को स्थानीय छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सोमवार 19 फरवरी की सुबह 6 बजे शिव जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर 1 बजे महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। शाम 4 बजे विशाल रैली निकाली जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतदाताओं को निरीक्षण के लिए ईवीएम एवं वीवीपीएट सिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। जन जागरण हो इस उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में ईवीएम तथा वीवीपीएट के बारे में जानकारी दी गई। रविवार को सूर्य देवता ने ग्रीष्मकाल शुरू हो गया इसका आभास कराया। अधिकतम तापमान बढ़कर 36.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 20.2 डिग्री से दर्ज किया गया। फरवरी माह में आम तौर पर तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता है, लेकिन इस वर्ष फरवरी के दूसरे पखवाड़े धूप तपने लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक की संकल्पना के तहत उनके निर्देशानुसार शहर यातायात पुलिस विभाग ने 14 से 18 फरवरी तक मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी तरह के वाहनों पर कार्रवाई का सिलसिला चलाया। पुलिस की इस कार्रवाई में 745 वाहनों पर केस दर्ज किए गए और वाहनों पर 3,72,500 रुपए जुर्माना किया गया। कल अकोला के निम्बा फाटा पर आयोजित शिव जन्मोत्सव समारोह में नितेश राणे ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर वर्तमान समय में अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया है। मैं नेता बनकर आपके पास नहीं आया हूं, बल्कि आप में से ही एक बनकर आपको जगाने के लिए आया हूं। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को आनंद का राशन देने की घोषणा की थी। उसके अंतर्गत लाभार्थियों को आनंद के राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है, लेकिन वितरण धीमी गति से होने से 1,71,000 लाभार्थियों को ही वितरण किया गया है। 29 अप्रैल तक वितरण पूर्ण करना आवश्यक है। 21 फरवरी से कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा को नकल मुक्त संपन्न करवाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। उसी के साथ संवेदनशील केंद्रों पर पथक तैनात रहेगा। कक्षा 12वीं में जिले के करीब 25,655 परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। मध्य रेल विभाग की ओर से पुणे से मिरज के बीच तारगांव, मसूर व सिरदे के रेलवे के बीच पटरी का दोहरीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेन क्रमांक 11,040 गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस 21 फरवरी को पुणे स्टेशन से शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं ट्रेन क्रमांक 11,039 कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस 22 फरवरी को पुणे स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी। पीला सोना कही जाने वाली हल्दी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। जनवरी के अंत तक रेट 15,000 रुपए तक था, अभी 12,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है। रिसोर्ट बाजार समिति में गुरुवार की नीलामी में हल्दी गांठ 10,320 रुपए से 13,020 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी। पिछले कुछ वर्षों से हिंगोली वाशिम अकोला के कई भागों में हल्दी की फसल अब ली जा रही है। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर महावितरण विभाग ने कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। इसके चलते बकायादारों का बिजली कनेक्शन बंद किया जा रहा है। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल 1.5 महीना बचा है, इसलिए महावितरण ने बिजली आपूर्ति में कटौती करने का अभियान तेज कर दिया है। अकोला जिले में 605 करोड़ रुपए बकाया है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।